जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंतान नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उबज्जायानं नमो लोये सबसाहुं मोक्षमार्गस्नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे जिन शासन की रक्षा सीसी कैमरे से नहीं होती, जिन शासन की रक्षा अंतरंग में रत्नत्रय से और बाहर में संयम से होती है, सीसी कैमरा और यहां का सम्यक दर्शन और यहां का संयम वास्तव में ये असली है। खूब भाव भक्ति बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। रात्रि में कहा था उसमें से अपन फिर भी जितना जिनसे बन सकता हो संयम का पालन एक सप्ताह तक जितना बन सकता हो जरूर करें। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था दान देने की परिपाटी, मुझे इसमें एक बात कहना है। अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। अपन अपने पिताजी का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं, लेकिन बच्चों का नाम आप लगाएं, बच्चों से दिलवाएं, वो बहुत अच्छी परंपरा है। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, उनसे भी कहो बेटे आपको इस 10 लक्षण पर्व में 1,000 रुपए तक की छूट है, जब कभी दान देना हो तो आप देना। साल भर में आपको 5,000 का बजट होता है ना, जैसे नगर निगम में नहीं होता बजट, नगर पालिका क्या होती, पंचायत क्या होती, आपके यहाँ कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन में सबको एक एक पार्षद को भी उसका बजट होता है जिसमें से वो लगा देता है जो कुछ लगाना होता है। ऐसे पूरे घर का एक बजट होना चाहिए कि अपन को साल भर में 1,00,000 का दान देना है, 2,00,000 का देना है, 3,00,000 का देना है, उसमें से 5,000 बच्चे साल भर खुश होगा, मुझे कहाँ देना है, मुझे कहाँ देना है, मुझे कहाँ देना है, मतलब वो भी साल भर भावना भाएगा। और यहाँ देखते से वो फटाफट बोल देगा, क्यों बोल देगा, उसे मालूम है उसको ऑथेंटिक पावर है। जब उसको पावर होता है तो बड़ा आनंद होता है। मैंने आप आज से इस पर कोशिश करना, सब बच्चों का बजट निर्धारण कर देना, 1,500-2,000 जितना भी दे सकते हैं अपन, बेटे आप ले सकते हो। और साथ में प्रेरणा भी करो कि बेटे आप अपनी पॉकेट मनी बचाइए, हम आपको 10 का नोट देते हैं, इसमें 1 का नोट बचाइए आप पॉकेट मनी, और इसमें से भी आप दान देंगे। मैंने उसको दान भावना, 12 मासी दान की भावना बनी रहे। बच्चा को कभी कोई काम करना हो, सड़क पर भी करना हो, किसी का उपकार करना हो, भला करना हो, वो वहां भी कर देवे। तो इस तरह से बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप बच्चों से कहिए, जाइए आप रसीद लिखाइए, आप अपना नाम लिखाइए और आप बोल दीजिए। बच्चों को ये बात मालूम पड़नी चाहिए संस्कार में कि हमारे मम्मी पापा दान की राशि बोलते थे और फटाफट जमा कराते थे, और इससे उनको संस्कार पड़ जाएगा। मैं समझता हूं ये सबसे सुंदर एक संस्कार बच्चों में होगा। दोनों बातें बता दी, अब तीसरी बात है कि आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। मेरा मन तो बहुत करता है कि उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन बहुत अच्छे से पूरा प्रवचन करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले कई बार कर चुका हूं। तो यदि आपको जो जिज्ञासा होगी तो आप उसमें सुन लेंगे उसे। साथ ही एक पुस्तक आप सबके घर पहुंच गई होगी, आचार निर्देश का, इसमें सील निर्देश छपा हुआ है, सील प्रतिज्ञा छपी हुई है, आप उसे जरूर पढ़िएगा। मैंने तो वैसे दिया था गुजराती में भी, आप उस गुजराती में उसे पढ़िए। इतनी बात समझ लीजिए, हम अलौकिक जीव हैं, अलौकिक हमारा मार्ग है, अलौकिक दृष्टिकोण है, अलौकिक चिंतन है,
हमारी अलौकिक परिणति की वांछा है तो हमारी वेशभूषा भी अलौकिक होनी चाहिए। हमारे विद्यालय में वैसे तो कोई लड़की अलग से ड्रेस पहन के आ ही नहीं सकती, लेकिन जब कभी कोई बात होती है तो हम उन बच्चियों को एक बात कहते हैं, बेटी जो ड्रेस आपको पसंद आई है उसमें सीता का चित्र बना के बताइए। समझ में आया? माने सीता इस ड्रेस में यदि हम बनाकर यहां लगाएं, धन्य है हमारी आदर्श सीता, तो कैसा लगेगा आपको? आप जिस दुर्गा की पूजा करते हैं उस दुर्गा को यदि इस फोटो में रखा जाए जो आप पहने हुए हैं तो कैसा लगेगा? हमारे कॉलेज में तो एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर थे, वो कोई मैडम वैसे पहन के आती थी ना तो वे कहती थी जब आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे हाथ उठा करके, बोर्ड पर हाथ उठाकर पढ़ाएंगे लिखेंगे कुछ, तो आप 18, 20 साल 22 साल के नौजवान के सामने क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? उन्होंने कॉलेज में प्रोफेसरों के बीच में मीटिंग में उन्होंने ये बात कही। आया समझ में? आया? बस थोड़े में बहुत समझना, अपना खान पान, अपना रहन सहन सब अच्छा होना चाहिए। इतना ही कहकर के मैं बात पूरी करता हूं। कहना तो बहुत चाहिए, यदि दो घंटे भी कहूंगा तो कम है। समाचार पत्रों से आप इस बात को जान लें, मेरे पास समाचार पत्रों की कटिंग है और वो कटिंग मैंने सब डीवीडी में लोड की हुई है, जो पढ़ना चाहे उन्हें मिल भी जाएगी, कोई खास बात नहीं। कमेंट्री नहीं डली इसलिए देने का मन नहीं करता। मैंने दिल्ली के न्यूज़पेपर्स, बॉम्बे के न्यूज़पेपर, इधर के सबके न्यूज़पेपर के अच्छे अच्छे लेख उसमें रखे हुए हैं जो बच्चियों को इंगित करते हुए हैं कि आप अपने आप को पावरफुल मत समझिए। आप रात्रि में सर्विस करने जाते हैं, टेलीविजन पर सर्विस करने जाते हैं, रेडियो स्टेशन पर रात की शिफ्ट में आप जॉब करने जाते हैं, जहां पर बहुत सारे पुरुष हैं, आप अकेले इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वहां आपको बच करके रहना चाहिए। सारे उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैंने नहीं, मैंने एक नॉन जैन एडिटर्स वगैरह जो होते हैं उन्होंने दिए हुए हैं। कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन हमारा सील गया तो सब चला जाता है। अपमानित जीवन जीना, घुटते हुए जीवन जीना, ये कोई जीवन जीना नहीं है। जो नए रूल्स रेगुलेशन है वो आप उसमें से जरूर पढ़ लेना, वो इससे ज्यादा अभी मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, और आगे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। मैं समाचार पत्र इसीलिए मैं कभी कभी पढ़ने की प्रेरणा करता हूं, यदि किसी के घर में दूध पीते बच्चे के साथ कोई गलत घटना घटी, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ कोई घटना घटी है, 10-12 साल के लड़के के साथ कोई गलत घटना घटी है, तो अपने को साफ चेती रखना चाहिए कि हमारी बच्ची ड्राइवर तो नहीं ले जा रहा है, पड़ोसी खिलाने के बहाने तो नहीं ले जा रहे हैं, टॉफी खिलाने के बहाने बच्चों को बहला करके कोई हमारे बच्चों को तो नहीं ले जा रहा है। ये सीखने लायक बात है। कोशिश कीजिए महिलाओं को अकेले ट्रेवलिंग नहीं करना पड़े। यदि रात को 2 बजे आप किसी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और आप अकेले हैं और वहां कोई आपको लेने भी नहीं आ रहा है और आप ऑटो करके जाते हैं, आप बहुत असुरक्षित हैं, ऐसी बहुत घटनाएं आती हैं, आप अपने फोटोग्राफ्स, आप अपने मोबाइल नंबर किसी को मत दीजिए। बहुत हंसी और मजाक में हम शादी विवाह में अपने फोन नंबर फटाफट किसी को दे देते हैं, हम बहुत जल्दी अपने ही फोटोग्राफ्स किसी को भी दे देते हैं। हमारे विद्यालय में हमने बच्चियों को बहुत शिक्षाएं दी हुई हैं, एक पूरा बहुत बड़ा कानूनी नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है विद्यालय में, कानूनी नोटिस बोर्ड। कोई लड़कियां जब स्कूल से घर जाती हैं और लड़के खड़े रहते हैं मोबाइल लिए हुए फोटो खींच लेते हैं, तो हमारी 4 बच्चियां झपट सकती हैं उन पर, उसको फोटो कैंसिल करने के लिए कह सकती हैं, पुलिस में रिपोर्ट डालवाई जा सकती है, उस लड़के को सजा हो जाएगी 6 महीने की। हमें मालूम होना चाहिए हर कोई हमारी फोटो नहीं खींचे, बच्चियों ने हमें बताया है विद्यालय की। कभी भी बस में जाती है, सिटी बस में जाते हैं, कहीं जाते हैं, लड़के पीछे से ऐसे ऐसे फोटो खींच लेते हैं, अपने को सावचेती चाहिए, आगे पीछे देखकर रहना चाहिए हमें। मेरा बहुत सजेशन, आप घर में आपके फोटोग्राफ्स
चाहे बहुओं के भी हों चाहे बेटियों के हों, क्या कहलाते हैं वो फोटो का फोटो एल्बम, एल्बम वो फोटो एल्बम कभी भी बच्चियों की फोटो या महिलाओं की फोटो वाली कभी भी फ्री नहीं पड़ी रहनी चाहिए, विद की एंड लॉक होना चाहिए उसे। कई बार रिलेटिव्स आते हैं और पलटते देते हैं, देखते रहते हैं, एक फोटोग्राफ चुरा के ले जाते हैं, अपने को पता भी नहीं लगता। बाद में वो आजकल वो सब वीडियोग्राफी वो क्या कहलाते कैमरे ओ कंप्यूटर से कर करा के एडिटिंग कर करा के जो कुछ भी, और फिर आपको ब्लैकमेल करें, आपको हैरान परेशान करें। मैंने सबसे अच्छी बात है आज की तारीख में अपन उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन में अपने सील की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें। जैसे ही ब्रह्मचर्य का दिन आता है तो हमें लगता है तो ब्रह्मचारियों की बात है अथवा मुनिराजों की बात है अथवा आरिकाओं की बात है। जी नहीं, हमारे यहां 8 वर्ष के बालक से सील व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपको मालूम होंगी कहानियां अकलंक और निकलंक की। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने सील व्रत लिया था। आपको मालूम होगा शेष सुदर्शन की कथा, आपको मालूम होना चाहिए आनंदमती की कथा, सील व्रत लिया था। आप सब हम सब सील धारण जरूर करें। हम जब कभी लड़कों से पूछते हैं आपको कैसी पत्नी चाहिए तो झट कहेगा सीता जैसी, तो हम आप राम बनने तैयार हैं? आपको राम बनना पड़ेगा, सीता मिलेगी आपको। ऐसे आपको भी यदि वफादार पति चाहिए तो आप अपने वफा की रक्षा कीजिए। बस इतने में बहुत कुछ कह दिया, मतलब समझ लीजिए इन प्रकरणों में ज्यादा बोलने का अब मन नहीं करता, पहले मैंने बहुत बोला धुआंधार लेकिन बस इतने ही सारे कर दिए। बहुत सावधानी की जरूरत है, सील बहुत बड़ी संपदा है हमारी। ज्यादा सुनना हो तो गुरुदेव श्री के जीवन चरित में जब मैंने बहन श्री और गुरुदेव श्री के ब्रह्मचर्य की चर्चा की है वहां आपको इसका बहुत विस्तार से और जानकारी मिलेगी। आज यदि पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की कोई सुंदर परंपरा देखना हो तो वह भी हमारे गुरुदेव से ही प्रारंभ होती है और हमारी बहनश्री से प्रारंभ होती है। बहनश्री दोनों बहनश्री सोनगढ़ में ब्रह्मचारिणी बहनों की कक्षा लेती थी। जब भी कोई नई बहनें ब्रह्मचर्य लेना चाहती थी तो उनको पहले गुरुदेव डायरेक्ट ये को भी ब्रह्मचर्य नहीं देते थे, पहले बहनश्री की निश्रा में रहो, उनके पास रहो, वे देखेंगी परखेंगी सब, पूरी जासूसी जैसा हम लोग खूब ध्यान रखते थे। वो कोई भी बहन 6:30-7 बजे के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाहर नहीं जा सकती थी। गुरुदेव की शाम की तत्व चर्चा चलती थी लेकिन एक भी ब्रह्मचारिणी बहन नहीं जाती थी, एक भी ब्रह्मचारिणी बहन। शाम को बाबू भाई जी वगैरह के प्रवचन होते थे, ज्ञानचंद जी पंडित साहब का प्रवचन होता था रात को, क्योंकि गुरुदेव का तो रात को कोई प्रवचन होता नहीं था, तो कोई ब्रह्मचारिणी बहन वहां जाती थी तो वो साफ मना कर देती थी नहीं जाना। तो कई बार तो ऐसा भी होता था ब्रह्मचारिणी बहन कहती थी कि इसमें तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, आपको हमको क्यों प्रवचन सुनने से रोकते हो आप? तो बहन श्री कहते थे हो जाने दो हमें ज्ञानावरणी का बंद, लेकिन अपने को सील नहीं खोना। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मचारिणी बहन को 6:30-7 बजे के बाद मंदिर जाने की इनकार, 6:30 बजे सब भोजन के बाद दर्शन करके आ जाते थे सब काम। फिर इसके बाद रात्रि में बहन श्री सबको पढ़ाती थी, घंटे 2 घंटे में पढ़ाई होती थी, स्वाध्याय होती थी, कथाएं चलती थी। चौमास में लाइट नहीं जलाते थे, चातुर्मास में रात को लाइट नहीं जलती थी, स्वामी जी की कक्ष में तो जलती ही नहीं थी और स्वामी जी इसलिए रात को प्रवचन नहीं करते थे, रात्रि में लाइट में जी होते हैं वो नहीं पढ़ते। ऐसे टॉर्च से प्रश्न पढ़ा जाता था केवल पब्लिक में से और स्वामी जी बस प्रवचन उत्तर दे देते उसका। उधर बहन श्री वगैरह सब बैठते थे, बिल्कुल हल्की सी लाइट जला करके सब बैठ जाते थे। इन चातुर्मास के समय में व्रतवानियों की कथाओं में से अध्यात्म निकाल के बताते थे, खुद सुनाती थी पूरी कथा। बहनश्री को दोनों बहनश्री की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, कथा पढ़ करके पूरे गांव का नाम, राजा का नाम, रानी का नाम, पात्रों के नाम सब सुना देते थे, सबको सुनाते थे और उसमें पूरी प्रेरणा देते थे। ऐसा मुझे सही में ऐसा लगता है काश वे सारे क्षण आज हमारे पास पिक्चर के रूप में रूप होते तो हम उनको देख सकते थे।
लेकिन वो सारी शिक्षाएं देते, उससे उन शिक्षाओं में से ऐसी शिक्षा थी कोई भी बैंक का पल्ला ऐसे नहीं जा सकता था, एक भी ब्रह्मचारिणी बहन का पल्ला ऐसे नहीं जा सकता था। तो नई नई कोई ब्रह्मचारिणी बहन होती थी तो वो चंचल होती है, थोड़ी उम्र होती है तो 20-25 साल की उम्र चंचलता होती है, तो ऐसे हो गया। तो बहन श्री ने बोले गुरुदेव का जो स्वाध्याय मंदिर थे ना वहां से सीधी नजर पड़ती थी, सीधी नजर पड़ती थी, तो छत पर खड़े हो या कुछ हो तो गुरुदेव की कभी नजर पड़ जाती थी तो बहन श्री को बोल देते थे, बहन श्री ने बोल दे जो अपनी दीकरी ने संभाल के रख जो अपनी दीकरी ने संभाल समाड़ी समाड़ी ने रखे, तो इसके तो गुरुदेव बहन श्री बोलती थी उनका, वो कोई कोई बहन कहती तो खिसक जाता है, ऐसे खिसक जाता है, खसी जाए कपड़ा वैसा होता है ना, तो खसी जाए की लठोगी तो इतना कड़क रूल था, इतना कड़क माने इतनी सुंदर परंपरा। सारे हिंदुस्तान में सीधे पल्ले की साड़ी नहीं पहनती, उल्टा पहनती, मैंने ब्रह्मचारिणी बहने सिंगल ऐसे पहन लेती, लेकिन ब्रह्मचारिणी बहनों को, सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को सोनगढ़ में सीधा सीधा पहनना, सीधा माने इसमें पूरा हाथ ढक जाए, ये पूरा ढक जाए, ब्लाउज ऐसा होए, गला ऐसा होए। और आप देखना कभी, आपने सुशीला श्री को देखा होगा, सुशीला श्री को जिन्हों वो पढ़ाते, जब वो पढ़ाते थे तो पूरा केवल इतना चेहरा खुला रहता था, यहां से यहां तक कपड़ा ढका रहता था, इतना खुला रहता था। दोनों बहन श्री का भी फोटो देखना आप, हाथ ढका रहेगा, पूरा चेहरा ऊपर ढका रहेगा, इतना खुला रहेगा, इतना कड़क। बहुत मुझे बहुत याद आती है बहन श्री की, वो कहते थे जब तीर्थ यात्रा में जाते थे ना, तीर्थ यात्रा में तो वो बताते थे, देखो सभी बहन ध्यान रख जो कहीं नदी पर नहाने का प्रसंग पड़े, कभी खुले में नहीं नहाना, नहाना पड़े तो पूरा कपड़ा पहन के फटाफट, ज्यादा देर नहीं लगाना, कपड़ा बदलना हो तो बहनों की अंगत मखानगी में बदलना, ऐसे करना, कोई कुआ वगैरह पे स्नान नहीं करना, इतनी सावधानी। रेलगाड़ी में पहले वो नहीं होती थी, विंडो खुली रहती थी, मतलब विंडो में सीकचे नहीं होते थे, सरिया होते ना, सरिया क्या बोलते हैं, सीकचे, वो नहीं होते थे पहले। तो बैंस जी कहती थी कि रेलगाड़ी में कभी बैठना पड़े तो खिड़की की बाजू में बैठो, बारी की करीब बैठो। तो क्यों, कि कभी रात बिरात अपन सो रहे हों और कोई संकट आ जाए और अपने सील की रक्षा होते नहीं दिखे तो रेल में से कूद के प्राण दे देना, लेकिन सील नहीं खोना, सील नहीं खोना, छोटा सा चक्कू रखना अपने पास, जरूरत पड़ जाए तो जीप छेद के मर जाना, लेकिन सील नहीं खोना। आप सुनना गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में ये सब बातें मैंने बहुत विस्तार से बताई, मैंने एक दो घंटे का प्रकरण केवल जीवन चरित्र की उनके उल्लेख ही उल्लेख में है पूरे के पूरे। अब प्रवचन का मन नहीं करता, अब तो ऐसा लग रहा ब्रह्मचर्य भी बोलो बस। गुरुदेव श्री और बहन श्री का इतनी सुंदर मर्यादाएं थी। कलकत्ता से उधर जाना था, पास में कौन सा गांव था कलकत्ता से पास, असम से, असम में जाना था, गुवाहाटी, गुवाहाटी जाना था, गुवाहाटी। गुरुदेव बोले बहन श्री और एक साथ नहीं जाएंगे, सील की मर्यादा का उल्लंघन होता है, एक हवाई जहाज में बैठ के नहीं जाएंगे। बंबई में उनकी जन्म जयंती थी, 75वीं जन्म जयंती, स्वामी जी की कार और उसके पीछे पीछे बहन श्री की कार। तो साहेब बहन श्री तैयार है, आप चलो पधारो। क्या मतलब, कि बहन श्री की कार तैयार है, आपकी कार चलेगी तब उनकी कार चलेगी, पीछे पीछे आएगी। क्या मतलब, स्वामी जी ने साफ मना कर दिया, 5 मिनट पीछे आप जो, बहन श्री की कार 5 मिनट पीछे, मेरे पीछे पीछे चले, सारे हिंदुस्तान में लोग क्या कहेंगे, सील की मर्यादा का उल्लंघन होता है, पीछे पीछे नहीं चलने दिए। 1975 में भोपाल में पंचकल्याणक था, 2500वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गुरुदेव पधारे थे, बहन श्री भी पधारे थे,
तो हमारे भोपाल के उस कार्यकर्ताओं को सबको बड़ा उल्लास था। तो उतारा जो देना था ना उतारा, तो यहाँ गुरुदेव का बंगला और इस साइड सामने ही बैंस जी का बंगला, ऐसे दे दिया। तो सब उतर गए। तो स्वामी जी ने पूछा, संयोग की बात है, बैंस जी ने उतारो क्या छे? साहेब आपने सामी छे हैं, इस काले खाली कराओ, इस काले इसी समय खाली कराओ, से खाली कराना पड़ा। मैं इसलिए बता रहा हूं, शायद बच्चों को पता भी नहीं हुआ ये बातें, किसी को मालूम ही नहीं होगी कि गुरुदेव और बैंस जी ब्रह्मचर्य की कैसी पराकाष्ठा थी। आज हम जब दूसरी जगह मखोल देखते हैं, मुझे तो इतना तरस आता है कभी कभी देख करके, ब्रह्मचारी बहन और कोई एक ब्रह्मचारी भाई के पीछे गाड़ी पे चले जा रहे मोटरसाइकिल। मुझे बाबूजी ने कहा था, युगल जी बाबूजी ने, बेटे कभी भी समाज में कहीं भोजन करने जाओ मोटरसाइकिल पे नहीं जाना। मुझे कहा था मुझे, बेटे तीर्थ यात्रा वगैरह करना हो तो युवाओं के साथ नहीं जाना। मुझे कहा था मुझे, युवाओं के साथ नहीं जाना। कितनी गंभीरता होती होगी ब्रह्मचर्य, बहुत बहुत कहते थे भैया। इसलिए फिर समझना, यदि आपको बहन श्री प्रिय हो और आपको गुरुदेव श्री प्रिय हो, तो बहने बहनों के आदर्श बहन श्री हैं, और भाइयों के लिए यदि अपन स्वामी जी कहें, तो अपना जीवन आज संकल्प करके उठें कि कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, ये है स्वामी जी के भगत, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, ये है मोक्षु, देखो इनकी जिंदगी, देखो इनका खान पान, देखो इनका रहन सहन। थोड़ा समय है, अपना हित जरूर करना है, ऐसी भावना से आज की थोड़ी सी चर्चा की है। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो बहुत है, बहुत बहुत पड़खे हैं इसके, अभी तो पूरे खोलना एक घंटे में आधे घंटे में तो संभव भी नहीं होगा, लेकिन अपन ने शुरुआत थोड़ी चर्चा की है, इशारा किया है। अपन सब इस मार्ग को जयवंत बनाएं, इसी भावना के साथ अपन चर्चा करते हैं। पांच भावों की चर्चा चल रही है, बहुत जोरदार एक चर्चा चलना है। कल अपन ने कहा था औदिक भाव ही है, आज मुझे कहना है औदिक भाव अविश्वसनीय है। औदिक भाव अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है। क्या बोला मैंने, एक बार बोलेंगे अपन? अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत साइकोलॉजिकल एक बात बताना है मुझे इसमें। साइकोलॉजिकल बात कही तो फिर आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाती है। देखो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप पूरे वर्ल्ड के जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग बताने वाले हैं उन्हें यहां रख दीजिए उनकी किताबें सारी, और मेरी जिनवाणी का एक एक शब्द ले लीजिए, एक एक शब्द के आगे वो पानी भरेंगे। मैं इसलिए जानबूझ करके रोज बोल देता हूं आर्ट ऑफ लिविंग और साइकोलॉजी, क्यों? लोगों को क्या लगता है हमारी जिनवाणी में तो बुकिस बातें हैं, 5000 साल पुरानी बातें हैं, 2500 साल पुरानी बातें हैं, अब वर्तमान में तो आउट ऑफ डेटेड है। इसलिए मैं जानबूझ करके वो बात बताता हूं। लोग बहुत तारीफ करते हैं, अरे साहब उसको पढ़ो आप, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो आप। मैं कहता हूं है क्या उसमें, है क्या उसमें, कुछ भी नहीं है। और जिन्हें लगता हो कि वहां कुछ है, वो किताब मुझे दिखाइए और मैं अपनी दिखाता हूं, ये फिर आप तुलना कीजिए। विश्व में सर्व विश्व विद्या कुल ग्रहम, जिनवाणी क्या है, विश्व विद्याओं का कुल ग्रह है। आप बुकिस मत बनिए, आप शब्द मिलेक्ष मत बनिए, आपको यहां बहुत माल है। चलो आगे चलो, देखो हम सब क्यों दुखी होते हैं, हमें कोई प्रतिज्ञा लेने का भाव आया तो वो अभी का वो अधिक भाव है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भाव टिक नहीं पाता क्योंकि वो उस समय का वो अधिक भाव है। अब हमने क्या कर लिया, इमोशनल होकर एक प्रतिज्ञा कर ली, क्या कर लिया हमने, एक प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन नहीं होगी ये तो अभी का परिणाम है, यदि ऐसा होता तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की जरूरत कहां थी, कसाय चौकड़ी मिटाने की जरूरत कहां थी, फिर
ध्यान रखो, कसाय चौकड़ी मिटे बिना किसी की प्रतिज्ञा नहीं बन सकती। भावुकता से जितनी जल्दी उत्थान हो सकता है, भावुकता से जैसे कहते ना झाड़ पे चढ़ा दिया, चने के झाड़ पे, भावुकता में जितनी जल्दी आप हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी भावुक हो सकते हैं, मेरी प्रतिज्ञा बिल्कुल नहीं। प्रतिज्ञा करने से पहले प्रतिज्ञा का स्वरूप समझिए। स्वभाव का आश्रय लेकर कसाय मिटाइए। स्वभाव का आश्रय करने के पहले स्वभाव का निर्णय कीजिए, और निर्णय करने के लिए कल रात्रि में कहा था संशय विपर्य अनद्वसाय मिटाइए, और बहुत मेहनत होगी इसमें। जानकारी मात्र पर्याप्त नहीं है, और एक भाव मिटाने के लिए जानकारी मात्र पर्याप्त नहीं है। पंडित जी हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी तो हमारे परिणाम नहीं सुधरे। इसीलिए नहीं सुधरे क्योंकि परिणाम सुधरता है कसाय के मिटने से, नॉलेज से नहीं। क्या कहा? नॉलेज से नहीं। औदिक भाव के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। एक ही जीव के असंख्यात लोक प्रमाण हैं। मैं क्या सोचता हूं सब मेरे जैसे ब्रह्मचारी हो जाएं? मेरे जैसे मैं ही नहीं हो पाता तो दूसरा कैसे हो जाएगा? क्यों? आज मेरा ब्रह्मचर्य का भाव अलग जाति का है, कल और उत्कृष्ट क्वालिटी का हो सकता है, और उसके बाद आने वाले समय में हल्की क्वालिटी का भी हो सकता है। इसे समझने के लिए मैं एक दृष्टांत दूं। कोई बहुत दानदाता आ रहे हैं, वो अपनी ईसीजी देखो, ईसीजी समझ गए, फ्लक्चुएशन देखो। कभी आपको सहज दान देने का भाव आता है, कभी कहने पर भी नहीं आता, कभी आप बिना कहे दान दे देते हैं, और कभी आप दान की राशि डिक्लेयर करा के भी नहीं देते। देते तो हैं लेकिन थोड़ा आगे पीछे दे देते हैं, दे देंगे कहां भागा जा रहा है पैसा, देर करके दे देते हैं। कभी आपको गरीबों को गलत प्रकार का दान देने का भी मन हो जाता है। गलत माने आप गरीब को पैसा दे देते, वो बीड़ी पी लेता है, ऐसा भी दे देते हैं कभी आप। अच्छा, अभी भी आप प्रतिज्ञा कर लो कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं उस समय कैसे भाव आ जाती है, वो आप दे देते हैं। इससे मालूम पड़ता है औदिक भाव सदाकाल एक सा नहीं होता। पूजा करने का औदिक भाव सदाकाल एक सा नहीं होगा, डोंट डिप्रेस। पूजा का करने का परिणाम एक घंटे तक एक सा नहीं होगा। अभी भी देखा होगा, आज जैसे आपने बड़ी पूजा करी, लंबे समय तक चली, बीच बीच में कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं, भैया प्रवचन देर से इतना खींचे, आज तो जल्दी हो जाए, मतलब घर चले, माने तमाम विकल्प आ सकते हैं। किसी को एक मिनट विकल्प आया, किसी को दो मिनट आ सकते हैं, किसी को जल्दी चला जाएगा, किसी को देर तक नहीं जाएगा, और किसी को तो ऐसा लगेगा बस बात ही बातें करना और कुछ करना है नहीं। माने नाना प्रकार के औदिक भाव, ओहो हो, और ये औदिक भाव होते हैं, इनका नाम औदिक भाव है, तुम इनके ज्ञाता दृष्टा हो। इसमें एक फार्मूला बताता हूं, फार्मूला। अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन मत करो सदाकाल एक जैसे भाव होने की, और दूसरों से भी ये अपेक्षा नहीं करो कि वो ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे मान के चलो मेरा जीवन देखते हैं आप, अब आप तुलना करने लगो इन जैसी सब लोग क्यों नहीं करते, और पंडित लोग ऐसा क्यों नहीं करते, और पंडित ऐसा क्यों नहीं खाते, और पंडित ऐसा क्यों नहीं करते। अरे नहीं करते तो नहीं करते, उनका औदिक भाव स्वतंत्र है, औदिक भाव स्वतंत्र है। हम सबका औदिक भाव एक जैसा नहीं होगा, लेकिन परिणामी भाव कैसा है? एक जैसा है। अब क्या देखें, बोलो क्या देखें, बोलो क्या करें, फिर से सुनना। औदिक भाव एक सा होता ही नहीं है, एक ही जीव के नहीं होते, दो जीव के तो आज झगड़ा कहां से शुरू होता है पता है? ये बच्चे बहुत चंचल हैं, तो तुम क्या चाहते हो 50 साल का इंजेक्शन 5 साल में लगा दें, क्या करें बोलो? 20 साल की बहू, अब वो तो चंचल है, वो तो हस्ती मुस्कुराती आई है, हस्ती मुस्कुराती रहेगी। अब 50 साल की सास क्या सोचती है? बहुत चंचल है, बहुत हंसती है, बहुत बोलती है, बहुत खाती है, इसलिए वो 50 साल और 25 साल का डिफरेंस तो है ही, जिसको आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग, जेनरेशन गैप। अब सास को भी समझना पड़ेगा जेनरेशन गैप है। जब भी बहू हंसे तो हाँ बेटा बहुत अच्छी लगती है, हंसते रहा करो बेटा, अब चुप, ये तो वो क्या करे, वो रस्सी में बन जाए क्या करे,
फिर ऐसा होगा आप जैसे ही अपने हॉल में गए उसने कमरा बंद कर दिया, अब हंसेंगे आराम से, अब क्या फायदा होगा। छिपकर खाने से अच्छा है, छिपकर बोलने से अच्छा है, छिपकर कोई एक्टिविटीज करने से अच्छा है कि जेनरेशन गैप मिटा दो। 5 साल के बच्चे को आप क्या चाहती हो, 10 साल के बच्चे से आप क्या अपेक्षा करती हो। मैं अपने यहां की बात बताता हूं, हमारे 60 बच्चे पढ़ते हैं, अभी तो बच्चे ही होते हैं बेचारे, चंचल होते हैं। अब मैं कोई नई चीज लेकर जाऊंगा, मान लीजिए मेरे कमरे में रखी हुई है, तो डर के मारे पहले दूर से ही देखते रहेंगे। हम समझते हैं जैसे मैं इधर से जाऊंगा तो हाथ लगाएंगे, तो अपन पहले ही कहते हैं ये घड़ी है, देखना है तुमको, ये 3 इसके बटन है, ऐसे ऐसे करते हैं अपन, ऐसे करके देखो तो कर लेते। हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया, बस रख दिया। अब क्यों डिस्टर्ब करेंगे वहां के, पहले उसे दिखा दो ना अच्छे से। अब आप क्या करते हो, घर कोई बाजार से नई चीज लाए, जैसे लैपटॉप लाए, ए हड्डी पसली तोड़ देंगे, लैपटॉप छूना नहीं। अब वो करेगा क्या, उसको तो लगता है, थोड़ा थोड़ा देखने का मन करता है, बच्चा है तो क्या होगा, अरे छोटा सा बच्चा हो बिल्कुल, उसे भी लगता है। तो आप ऐसे मत करो, बच्चे को 10 बातें मत सुना, बुला लो, देखो बेटी ऐसे करते हैं बस, चला लो हाथ लगा लो बेटी, सब देख लो, इसकी बैटरी इधर होती है, इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है, सब बता दे। अब उसकी कोई जिज्ञासा खत्म हो गई, अब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे जाएगा, और नहीं तो बच्चा मालूम तोड़ तोड़ के देखेगा, नहीं समझ नहीं खोलेगा तो तोड़ के देखेगा। जिज्ञासा उसे कुछ भी करा सकती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये बात आप इसको कहते हैं साइकोलॉजी, आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ लीजिए। आप बच्चे पर यदि उसके नेचर के खिलाफ बैन लगाते हैं तो आप अत्याचार करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे आप देखना, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, यदि उन्हें बाथरूम में छोड़ दिया जाए तो सारे इन्वेंशन कर डाले, मैंने उनको सारे प्रयोग कर डालते हैं वो सारे, कभी वो पानी में इससे हाथ डालेंगे, कभी छप 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 करेंगे, कभी कोई बट मग्गा हुआ तो ऐसे ऐसे करेंगे, और कभी कैसे करेंगे, तो नाना प्रकार के उपयोग है। तो अपन पहले ही बोलो, अच्छा बेटे देखो ये अपना बर्तन है ना, इसकी आवाज ऐसी आती है, इसको देखो बेटे साउंड कैसा आता है, लगाइए आप देखो, उंगली से ऐसा आता साउंड, और इससे ऐसा आता, आप करा के दिखा दो, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आप अपने सामने करा दीजिए, मिट गई बात, मैंने एक मिनट की सॉल्यूशन। और हो सकता है कभी बच्चा इलेक्ट्रिक से जल जाए, प्रेस से जल जाए, इलेक्ट्रिक में हाथ दे दे, आप अपने सामने समझा दीजिए उसे, बस इतना सरल काम है। ये तो दृष्टांत दिया मैंने, हमने एक चित्र बनाया हुआ था, एक चित्र गधे के ऊपर बहुत सारे शास्त्र लाद दिए, गधे के ऊपर बहुत सारे शास्त्र, और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि जिसे आप अपनी छियोपसम थोपते हो ना तो उसे आप गधा समझते हो। क्या कहा, मैंने आप अपने 50 साल के एक्सपीरियंस उस पर थोपते हैं, पूरा अपना छियोपसम ज्ञान थोपते हैं, इसका मतलब आप उसे गधा समझते हैं। तो उसके नीचे मैंने लिखा था मुझे गधा मत समझिए, समझ गए आप, मैंने जो नेचुरल डेवलपमेंट है उसे आप समझिए। ये मैंने एक प्रैक्टिकल करके बताया, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में होता है, ऐसे अणुव्रतों में होगा, ऐसी महाव्रतों में भी होगा, आपको एक एक गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण भेद का मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। करणानियों की बात है, आप सब जैसे एक, सबको सबसे एक जैसे राग की अपेक्षा नहीं कर सकते, एक जैसे त्याग की अपेक्षा नहीं कर सकते, बस हो गया प्रैक्टिकल। असंख्यात लोक प्रमाण भेद होने हैं, इसीलिए हम राग का विश्वास मत करो, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं, विश्वास मत करना, इस औदयिक भाव का ही है, क्या ऐसा परिणाम सदा नहीं रहेगा, फिर तुम दुखी होगे। सुनो आज बहुत खराब परिणाम है, बिल्कुल नर्वस मत होइए, क्यों, क्योंकि ऐसा परिणाम सदा नहीं रहेगा। क्या कहा, खोटे परिणाम भी सदा नहीं रहेंगे, अच्छे परिणाम भी सदा नहीं रहेंगे, लेकिन इन खोटे और अच्छे परिणामों से भिन्न भगवान आत्मा मैं तो सदा रहूंगा। अब बताइए, मैं पूछ रहा हूं, औदयिक भाव का स्वरूप जानने पर औदयिक भाव की दृष्टि करें कि पारिणामिक भाव की दृष्टि करें। इसलिए हमने कहा था स्वरूप जानने पर पारिणामिक भाव का ही आश्रय उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, और कोई रास्ता ही नहीं। बस होगी बात खत्म, कितना सरल काम हो गया,
कोई कहे कि पंडित जी हम बहुत विचार करेंगे तो परिणाम सुधर जाएगा, हम बहुत सारा नॉलेज ले लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तब तो हमारे से खोटा काम नहीं होगा, नहीं होगा। सुनो, चारित्र, चारित्र का औदिक भाव, ज्ञान के औदिक भाव से कुछ नहीं होता, ज्ञान के छह उपशम से भी कुछ नहीं होता, यहां तक कि ध्यान से सुनना, श्रद्धा के छायिक भाव से भी चारित्र में कुछ नहीं होता। थोड़ा कड़क बात है, समझ लो जरा से। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, कौन कौन है? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा में चौथे गुण स्थान में छायिक भाव हो गया, लेकिन इधर नरक में लड़ रहे हैं, नरक में लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। बता चुके हैं भरत बाहुबली का युद्ध हो गया, यहां छायिक भाव है, जबकि यहां छायिक भाव है तो अभी 96,000 शादियां करने का भाव आ रहा है। कैसी अटपटी बातें हैं, इसका क्या मतलब? आपको औदिक भाव अच्छे से समझो। आपको यदि विवाह का भाव आए, व्यापार का भाव आए, बच्चों के प्रति आए, कमाने का भाव आए, इट इज नॉट रॉन्ग, बट आनंद के लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, अहम करने लायक नहीं है, मोटप मानने लायक नहीं है। औदिक भाव तो रोग की भांति हुआ है, औदिक भाव तो रोग की भांति हुआ है। श्रद्धा का छायिक भाव भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले बताया था मिथ्या दृष्टि एक ही शादी करे, और चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि हुए तो 96,000 कर ले भी। क्या तो गजब बात है, राग घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? क्यों, सम्यक दृष्टि को राग घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? सम्यक दृष्टि को विकल्प घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? मिथ्या दृष्टि 6 खंड जीतने का विकल्प कभी नहीं कर सकता, और चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने का विकल्प करेगा। बोलो क्या करना है, बोलो क्या कहना है? इसीलिए औदिक भाव से ज्ञानियों की पहचान नहीं होती। क्या पॉइंट चल रहा है? औदिक भाव विश्वास करने लायक नहीं है, खोटा होए तो भी और अच्छा होए उसका, उसमें आनंद लोगे तो रोगे, दुखी होगे। मैं रामचंद्र जी की कथा सुनाऊंगा आपको। रामचंद्र जी ने सीता को गेट आउट कर दिया, ठीक है, उनके ही इतिहास में, मैंने उनके इतिहास में उनके ठीक पहले ये बात ऑलरेडी फेमस थी, और रामचंद्र जी को भी पता थी कि जो हनुमान है ना, इनकी मदर को भी प्रेग्नेंट कंडीशन में ही गेट आउट कर दिया था, और इनके पापा ने, हनुमान जी के पापा ने 22 साल तक ऐसा ऐसा किया, और ऐसा बेफिजूल का दुख उठाना पड़ा। जब रामचंद्र जी पहली बार मिले होंगे हनुमान से, तो उन्होंने अपने मदर फादर की स्टोरी सुनाई होगी, क्या क्या हुआ था, उनकी ग्रैंड माँ ने क्या किया था, सब सुनाया होगा। तब रामचंद्र जी ने क्या कहा होगा, अरे रे अंजना पर ऐसा गुजरा, अरे रे भगवान ऐसा कोई स्त्री पर ना गुजरे, कोई दुष्ट ऐसा ना करे, थोड़ा बहुत तो भरोसा करना चाहिए था। लेकिन अब देखो, लेकिन जब सीता का उदय आया, जब रामचंद्र जी का औदिक भाव आया, तो उन्होंने भी प्रेग्नेंट कंडीशन में ही निकाल दिया, गेट आउट। आप कोई क्या करे बोलो, ज्ञान भी नहीं बचा सकता औदिक भाव से, शिवसम भी नहीं बचा सकता, बहुत पंडिताई नहीं बचा सकती। यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि केवल ज्ञान हो जाए तो भी औदिक भाव नहीं रोका जा सकता। ध्यान से सुनना, इस अहंकार में नहीं रहना कि मेरा बहुत शिवसम ज्ञान है, मेरे कभी भिकारी भाव नहीं होगा। धोखे में हो आप, धोखे में हो, भिकारी भाव नहीं होगा। एक समय की पर्याय की जिम्मेदारी तुमने कैसे ले ली, एक समय की पर्याय के कर्तापना तुमने कहां से ले लिया, यही भिकारी भाव हो गया। फिर से क्या कह रहा हूं, एक समय की पर्याय का कर्तापना अभी तुमने ले लिया, ये मिथ्यात्व नाम का भिकारी औदिक भाव है, मिथ्यात्व नाम का औदिक भाव। मैं क्रोध नहीं करूंगा, झूठी बात, तुमने चारित्र का कर्ता, क्रोध कषाय का कर्ता, चारित्र का कर्ता, ज्ञान को मान लिया, ज्ञान के कर्ता, तुमने कर्ता बना लिया कैसे, यही मिथ्यात नाम का औदिक भाव हो गया। पंडित जी आज से मैं ऐसा ही रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा जो भी कुछ, लेकिन भैया तुम इनके कर्ता नहीं हो। तो पंडित जी फिर तो सब 12 बज गई, तो अभी आप नियम दिला रहे थे कि 7 दिन तक रस छोड़ना,
और अभी आप नियम दिला रहे थे कि सील की रक्षा करना, सुनो सील की रक्षा करना ये भावना भाने की बातें हैं। 24 घंटा भावना भावोगे, जो भाएंगे उनको अपकर्षण आदि होगा तो बच जाएंगे, लेकिन बच ही जाएं, अमुक प्रवृत्ति से बच ही जाएं, इसकी गारंटी नहीं है। हां हमारे पास एक ही रास्ता है कि आप उन कर्मों का अपकर्षण करिए, डिक्रीज करिए उनको, बुद्धिपूर्वक यही उपाय है, वो आप करिए, भावना भाइए, दिन रात भावना भाएंगे तो फिर हम समझ गए जो दिन रात भावना भाते हैं उनका भवितव्य अच्छा है, उनकी प्रतिज्ञाएं पलेंगी क्योंकि कसायों का अभाव हो रहा है। अकर्ता ज्ञाता भाव के बल पर कसाएं मिटती जाती है तो प्रतिज्ञाएं निभती हैं। क्या कह रहे, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव किए बिना 28 मूलगुण की प्रतिज्ञा नहीं निभती। इसलिए भावना भाव जानकारी लो, और भावना काय की भाव अकर्ता पनेगी, काय की व्यवहार में सावधानी, कल बताया था चौथा गणित, योगों की प्रवृत्ति में अलर्टनेस, अलर्टनेस रखिए, फिर कोई आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। जैसे दृष्टांत दे दूं आपको, शेष सुदर्शन के पास साथ तीन बार स्त्रियों ने अवसर किया, तीन बार, लेकिन एक बार भी उनका सील में दाग नहीं लगा। कर्म का उदय तो आया लेकिन अंदर से तैयारी पूरी थी, भावना पूरी थी, सावचेती पूरी थी, भ्रष्ट नहीं कर सका। इस वर्ल्ड में कोई मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं करा सकता, मेरी मैं कह रहा हूं, मेरी कैसे नहीं करा सकते पंडित जी, मेरे को रात्रि में कोई पानी नहीं पिला सकता, अभी मेरी प्रतिज्ञा है। पंडित जी धोखे में हो, हम आपकी नाक बंद करके पानी डालेंगे तो रात को अंदर चला जाएगा, समझ गए, नाक बंद करके पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो रात में भी पानी अंदर चला जाएगा। सुनो इस देह में पानी अंदर चले जाने से रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा नहीं टूटती, जब तक मुझे भाव उत्पन्न ना हो, जब तक मुझे भाव उत्पन्न नहीं होगी मैं रात में पानी पीऊं, तब तक कोई माई का लाल मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। आप शराब डाल दो तो भी प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी, भले पेट में चली जाए तो भी नहीं टूटेगी। कब तक नहीं टूटेगी, जब तक मैं मन से स्खलित नहीं होऊंगा, जब तक मैं मन में शिथिल नहीं होऊंगा। अब सुनो उल्टा, सुनो उल्टा, आपने कड़क प्रतिज्ञा ली है, इसमें तो जाते नहीं रात को, लेकिन रात को मन चला जाता है आपका, सुनो आपके रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा थोड़ी शिथिल हो गई, शिथिल हो गई कह रहा हूं, टूट गई नहीं कह रहा हूं, अभी टूट गई नहीं कह रहा हूं, शिथिल हुई है अभी, आगे समझ में आया। इसलिए हमने थोड़ी बाहर की भी सावधानी बताई, अंदर की भी, और ये भी कह रहे कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, भैया ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, एक समय की पर्याय की रक्षा तो, एक समय की पर्याय का करता तो, समझ लीजिए आपको 2-5 साल तक बहुत अच्छे परिणाम रहे तो आपको एक मोटिव सी आ जाती, मेरा जैसा ब्रह्मचारी कौन होगा। सुन यदि तुम्हें परिणामों के बल पर खुश हो रहे तो मिथ्या दृष्टि हो, फिर से कह रहा हूं, परिणामों के बल पर, क्रियाओं के बल पर खुश हो तो मिथ्या दृष्टि हो, ये मिथ्यात नाम का औदिक भाव है। आगे समझ में आया, तो को क्या पॉइंट चला, औदिक भाव अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं है, सदाकाल एक जैसे नहीं होते हैं, अपने से भी अपेक्षा नहीं रखना, और लेकिन पंडित जी ये प्रवचन तो बहुत कठिन पड़ेगा, हमें तो रोज ही अपेक्षा रखनी है, इसीलिए तो कह रहे हैं, मुझे मालूम है इसके बिना काम नहीं चलेगा, बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है, फैमिली मेंबर से एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन अभी ऊपर से तो चलेगी, ऊपर से तो एक्सपेक्टेशन का औदिक भाव होगा, लेकिन अंदर अपन अंदर समझेंगे कि इससे होने वाला कुछ नहीं है, बच्चे तो जो बनना है वो ही बनेंगे। बच्चों की बड़ी आफत है, मम्मी सोचती डॉक्टर बन जाए, पापा सोचते इंजीनियर बन जाए, अब बच्चा क्या करे, और बच्चा सोचता है मैं जज बन जाऊं, अब क्या होगा बोला, तो मम्मी पापा कहेंगे तो यही, बेटे हमारा मन तो ये है, लेकिन अंदर अंदर से जानते हैं इस बच्चे का जो भवितव्य होगा ना उसी के अनुसार बुद्धि काम करेगी। क्या कहा,
भवितव्य के अनुसार बुद्धि काम करेगी, इसमें मेरी और आपकी नहीं चलेगी। तो अंदर समता रहेगी, नहीं मानेगा तो भी समता रहेगी, कोई बात नहीं। एक बात, दूसरी बात, जिस दिन आपकी मान भी जाए तो अब एक अहंकार हो जाता है, सब मेरे अनुसार चलते हैं, हस्बैंड भी मेरी ही मानते हैं, लड़का भी मेरे ही अनुसार चलता है। सुन, तू मिथ्यात्व का चक्र चला रहा है, कोई किसी के अनुसार नहीं मानता। मैं आज आपसे कह दूं आप सील का पालन करना, आप कर भी लो और मुझे अहंकार हो जाए तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। सुना, सभी जीव अपने भवितव्य के अनुसार परिणमते हैं, सभी जीव अपने भवितव्य के अनुसार प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। अच्छा सही सही बताना, 10-5 बात कोई आपकी मान ले तो आपको कैसा लगने लगता है? वो एक काम करो, मेरे पास आ जाना, मैं कह दूंगा, धोखे में हो बिल्कुल। लोग सर्वज्ञ नहीं मानते, तुम्हारी हमारी तो सर्वज्ञ नहीं मानते, अभी भी हम सर्वज्ञ नहीं मान रहे। जितना हमारा भवितव्य ना उतना मानते हैं, उसे आगे नहीं सुन पाते, ना कर पाते। आगे समझ में आया? यदि भगवान से पूछेंगे तो वो तय कहेंगे कि अभी तुम मुनि दीक्षा ले लो, अपन थोड़ी ले लेंगे उनके कहने से, अपनी जितनी तैयारी होगी उतना करेंगे। बराबर समझ में आया? बहुत सुंदर, आगे आगे चलो। औदयिक भाव कैसा है, इतनी चर्चा हुई, औदयिक भाव में भेद विज्ञान करने लायक है। क्या करने लायक है? औदयिक भाव में भेद विज्ञान करने लायक है, बस यही भेद विज्ञान है। औदयिक भाव में एकत्व नहीं करना, ये भेद विज्ञान है। औदयिक भाव में एकत्व, औदयिक भाव में एकत्व नहीं करना। एकत्व क्या होता है? एकपना। एकपने का मतलब सुन लो सभी लोग, एकत्व किसे कहते हैं ध्यान से सुनना। औदयिक भाव में एकत्व माने एकपना, एकपना माने जैसे करोड़ रुपया और मैं, तो करोड़ रुपया और मैं दो न्यारी न्यारी चीज है, लेकिन एकत्व की भाषा कैसी होती है? मैं करोड़पति हूं। क्यों? तुम और राग दो चीज हो कि तुम रागी हो? बोलो बोलो, दो चीज है। अब अपन क्या करते हैं? दोनों राग है औदयिक भाव और अपन है पारिणामिक भाव, और अपन ने दोनों को मिला के क्या मान लिया? मैं रागी हूं। जब जब डिप्रेशन होगा ये फार्मूला लगा लेना, राग मारो न थी, राग हूं न थी, राग मारे अकॉर्डिंग न थी मेरे अनुसार नहीं होता। ओ हो, अब ये अपन दुखी कैसे हो जाते हैं? पंडित जी बहुत रागी हूं, बहुत मोही हूं, बहुत क्रोधी हूं, बात बात पर क्रोध आ जाता है। अरे क्या बोला आपने? क्रोध आ जाता है। और तुम ज्ञाता रह जाते हो, ज्ञाता रह जाते हो, ये पारिणामिक भाव, और क्रोध आ जाता है। तुम कौन हो? दो हो कि एक हो? लेकिन जब जब दुखी हो गए, कैसी कैसी कैसी, एक एक क्यों कर रहे हो? मालूम है दुख कब होता है? एकत बुद्धि में दुख होता है। भारत क्रिकेट मैच हार गया, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या क्या दुख हुआ? देखो, भारत हॉकी में हार गया, फुटबॉल में हार गया, इसमें हार गया, और भी जाने कितने गेमों में हार गया, उधर कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? भारत की मूछ तब नहीं होती? क्यों? भारत की मर्दानगी तब नहीं होती? तब भारत में आपको राष्ट्रभक्ति नहीं होती? राष्ट्रभक्ति, छोटे छोटे देश गोल्ड ले जाते हैं और अपन ओलंपिक में देखते ही रह जाते हैं, क्यों? तब तकलीफ नहीं होती? कि पंडित जी वो कोई बात नहीं, लेकिन क्रिकेट में? अच्छा तो क्रिकेट में क्या हो गया? अब मैं पूछता हूं, आपको राष्ट्र के प्रति भक्ति है कि क्रिकेट के प्रति भक्ति है? राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। सब अभी तक कितने खिलाड़ियों को तो नाम भी नहीं मालूम होंगे जिनको अर्जुन पुरस्कार मिल गए और एकलव्य क्या क्या मिल गए, कौन कौन से पुरस्कार मिल गए, विक्रम और जाने क्या क्या, उनके नाम भी नहीं पता होंगे इन बच्चों को। लेकिन धोनी को क्या क्या मिला ये पता है, सचिन को क्या क्या मिलेगा ये पता है। क्या मिलना चाहिए सचिन को? समझ में आया? वो याद रह जाता है। क्यों? एकत्व। भारत के हारने की पीड़ा नहीं है, उस हार में एकत्व की पीड़ा है। आप समझ गए? जब जब आप भगवान, फिर से सुनो, मैंने कल एक बात कही थी यहां से चलते समय संसद विभ्रमण व्यवसाय के मामले में, फिर सुन लो आप लोग। जब भी आप सामयिक करने बैठो सबसे पहला प्रश्न पूछो, क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? पूछो, उसके आंसर को देखो क्या आ रहा है। आंसर जो भी आ रहा है वो ईमानदारी से आएगा,
क्या तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो? आधार पाताल की ऐसे बात नहीं करना, बिल्कुल सोचो क्यों कैसे, यदि हो सकते हो तो कैसे होगे, उसकी अंतरंग विधि और बहिरंग विधि में कहां तक आप आगे पहुंचे हो। जगह जगह आपको संशय विपर्यय अनंत वसाय के बैरिकेड मिलेंगे और वो आपको सम्यक समाधान पूर्वक तोड़ने पड़ेंगे, मिलेंगे पक्की बात है। आप पूछो क्यों आज आपको इतना दुख क्यों हो रहा है भारत के हारने पर, ढूंढो ढूंढो। आज आपका प्रिय कपड़ा फट गया, प्रिय बर्तन टूट गया, सोने का कोई आइटम खो गया, सारे घर में पीड़ा सबको अलग अलग प्रकार की हो रही, तो अलग अलग प्रकार की क्यों हो रही है? पूछो पूछो भाई, इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम तत्वाभ्यास है। प्रैक्टिकल करके देखो आप, उस बैरिकेड को नहीं तोड़ोगे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। यदि आप सही खाते में डाल देंगे, हाँ अभी चारित्र की अस्थिरता है, इतना इतना होता है, ठीक कोई बात नहीं, बैरिकेड टूट गया, क्यों चारित्र का औदयिक भाव मैं नहीं हूं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं, निपट गई गाड़ी। लेकिन एकत्व बुद्धि का बैरिकेड कैसे टूटेगा? जब एकत्व बुद्धि टूटेगी भेद विज्ञान पूर्वक, तब आप सुखी हो पाएंगे। आगे समझ में आया? जिस जिस में एकत्व ममत करेंगे वहां आपका दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर करने के लिए तत्वाभ्यास के पूर्वक एकत्व ममत टूटना चाहिए। समझ में आया? तो एकत्व और भाव एकत्व करने लायक नहीं है, गौरव करने लायक नहीं है, अहंकार करने लायक नहीं है। आगे चलिए, औदिक भाव आपको पता है प्रवचन कौन कर रहा है? हाँ प्रवचन भी एक औदिक भाव ही कर रहा है और दूसरे के औदिक भाव को समझा रहा है। देखो पारिणामिक तो यहां भी उपदेश नहीं करता और पारिणामिक तो वहां भी उपदेश नहीं सुनता। अब सोचे जरा, अपन प्रवचन करने सुनने वाले होते कौन है, होते कौन है? औदिक भाव समझ में आया? एक कर्म का उदय यहां से प्रवचन कर रहा है, करा रहा है, और तुमको भी भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, मुझे भी लग रहा है मैं कर रहा हूं, जबकि ईमानदारी की बात है। कई बार बोलते बोलते भूल जाते हैं, हमारा ज्ञान लगा रह जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते, और कई बार जो बात नहीं बोलना चाहते हैं वो भी बोल देते हैं, जैसे बिल्कुल तैयारी नहीं थी। और मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र कुछ सुनाने का आज बिल्कुल मन में ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था, लेकिन वो आना थी, यानी किस जीव के भाग से आनी थी वो चीज, वो आ गई। अब बोलो कर्ता कौन है, बता सिद्ध करो कर्ता कौन है? आहा, तीव्र कसाय का औदयिक भाव अपराध करता है और मंद कसाय का औदयिक भाव क्षमा मांगता है, प्राश्चित करता है, प्रतिक्रमण करता है। आज रात को प्रतिक्रमण है ना, कौन कौन करेंगे? अपन तो मात्र ज्ञाता रहेंगे। जिन जिनको मंद कसाय होगी वो आ जाएंगे, तीव्र कसाय होगी वो क्रिकेट मैच में लगे रहेंगे, जिनको मंद कसाय होगी वो मंदिर तक आ जाएंगे, तीव्र कसाय होगी तो मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे। ये भी फर्क है, औदिक भाव के असंख्यात भेद। कोई मंदिर तक भी आ जाएगा तो अंदर नहीं आएगा, अंदर भी आ जाएगा तो किताब लेके नहीं बैठेगा, किताब भी ले लेगा तो ध्यान कहीं और चला जाएगा, बार बार घड़ी देखते रहेंगे, भैया कितनी लंबी खिंचती है भैया भगवान, साल भर में एक तपस्या बड़ी हो जाती है थोड़ी सी। माने देखो उपयोग, अब जितनी जितनी देर, जब जब जैसा जैसा परिणाम आएगा अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे? डिप्रेस नहीं हो, टेंशन नहीं करो, आगे भाव आ जाने दो, आने की भी पीड़ा नहीं करो, क्योंकि आप उसे खींच के बांध नहीं सकते, खींच के बांध नहीं सकते, आएगा आप सबको भी आएगा, मैं होऊंगा तो मुझे भी आ जाएगा। क्यों? शुभ के बाद गारंटी से अशुभ भाव अंतर मूर्त के अंदर चौथे पांचवें गुणस्थान तक भी आता है। कौन से गुणस्थान तक आता है? पंचम गुणस्थान वर्ती भी यदि दो घंटा पूजा करेंगे ना तो बीच में वो कुछ ना कुछ आएगा वो। तो इसका मतलब अपने को अकड़ता देखना, ये नहीं सोचना हमने स्वच्छता ही छूट दे दी, पंडित जी ने तो कह दिया अभी तो आएगा, अपन तो देखो देखो नहीं, बुद्धिपूर्वक मत देखो, अपन तो बुद्धिपूर्वक ज्ञाता देखो। क्या देखना है अपने को? ज्ञाता देखो। आगे समझ में आया? इस तरह से अपन ने औदिक भाव की चर्चा की है, और भी चर्चा है, बहुत चर्चा है अभी तो, इसमें प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है अभी तो, अब यहां से प्रैक्टिकल शुरू हो गए दो दिन से, आगे भी प्रैक्टिकल चलेंगे। हाँ हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी चीज है, इसको खूब विचार करना, बाकी चर्चा अपन फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।